तो अभी देखिए मेरे सामने बैंक निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज की जो क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की वो 48,125 के पास मिली है। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, मेरे घर का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, जो पतंग उड़ाते हैं लोग उसके वजह से जो वायर है वो कट चुका था वाईफाई का, और जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने लाइव मार्केट में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैंने सारी अपडेट्स डाली हुई थी। और अभी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने हमें एक जो आज एक स्लो सेशन दिखाया, उतना बढ़िया सेशन नहीं कह सकते हैं, ना ही हमें पुट साइड में उतना ज़्यादा कुछ मिला, ना ही सी साइड में उतना ज़्यादा कुछ मिला। लेकिन अभी बैंक निफ्टी जो है वो अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास अटक चुका है, जहाँ से बैंक निफ्टी हमें गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया था फ्राइडे को 5 जैन को। यहाँ से जो गिरावट हुई थी 48,385 से वो सीधा कहाँ तक हुई थी 47,000, तो ये 1300 पॉइंट्स का फॉल दिखाकर बैंक निफ्टी फिर से अपसाइड के लिए बढ़ रहा है। अभी यहाँ से आगे क्या करें, तो निफ्टी बैंक जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है और अभी भी कहूँगी, आज वही हुआ। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के क्लोज पहुँचा बैंक निफ्टी 48,300 के पास पहुँचा, वहाँ से एक तेज़ गिरावट आती हुई दिखाई दी और निफ्टी बैंक अपने डेज लो से नीचे गया था और वहाँ से अभी रिकवरी करते हुए 48,125 के पास बंद हुआ है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी 48,300 से ऊपर सस्टेन कर लेता है तो अपनी नेक्स्ट जो रैली है वो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ लेके जाएगा। 48,500 और 48,600 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 48,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है या फिर 48,200-100 से भी नीचे फिसल जाता है, ओपनिंग ही नीचे करता है, तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 48,000 से बिलो निफ्टी बैंक हमें जाता हुआ दिखाई देगा और फिर हमें निफ्टी बैंक जो है वो 47,800, जहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी अगर मैं कहूँ ट्रेंड की बात या फिर जो अभी मोमेंटम है वो कौन सा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिलहाल जब तक बैंक निफ्टी 47,800 से ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश व्यू में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 47,800 को फिर से तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी को ये लेवल भी नहीं बचा सकता और फिर बैंक निफ्टी हमें 47,000 से भी नीचे इस बारी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी हमें एक फॉल देखने को मिला है। अगर फिर से यहाँ से एक फॉल होता है तो ये सपोर्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि बार बार टेस्ट हो चुका है 47,000 का सपोर्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद निफ्टी बैंक ने हमें 48,000 के ऊपर हाई दिखाया हुआ है, फिर से एक फॉल हुआ, फिर से निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई दिखाया न्यू, और फिर से एक फॉल होकर निफ्टी बैंक हमें 47,000 तक आता हुआ दिखाई दिया और अभी फिर से एक रिकवरी हुई है। तो बार बार अगर सपोर्ट टेस्ट हो रहा है 47,000 का और अगर फिर से निफ्टी बैंक इसी सपोर्ट के पास पहुंचता है तो इस बारी रिवर्सल के चांसेस कम है और इस बारी निफ्टी बैंक जो है वो हमें इस लेवल को तोड़कर 46,500 एंड 46,000 की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अभी मेरे सामने यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है तो निफ्टी ने भी 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी थोड़ा कल से आज स्लो हो चुका है। कल निफ्टी के अंदर बढ़िया बात थी, आज निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच चुका है। अभी यहाँ पर मैं देखूँ तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के लिए तो 2 लाख का है, वो है 48,300 के ऊपर, और 1 लाख की राइटिंग है 48,300 के ऊपर। तो मैंने आपको अभी जो चार्ट के ऊपर से लेवल बताया था और अभी यहाँ पर जो ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर लेवल है इसमें सिमिलैरिटी है 48,300 की। अगर निफ्टी बैंक 48,300 कल के सेशन में होल्ड रखता है
तो ही निफ्टी बैंक कुछ अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखाएगा। अदरवाइज 48,300 अगर नहीं होल्ड रखता है या फिर इससे नीचे ही रहता है तो गिरावट बढ़ेगी, और इस बार ही निफ्टी बैंक 48,000 से नीचे गया तो निफ्टी बैंक 47,000 से भी नीचे गिर सकता है। सामने पुट साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,91,000 और 1,93,000 का है, दो लेवल्स के ऊपर, जो कि बना हुआ है 47,500 एंड 46,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर निफ्टी बैंक यहाँ से नीचे गिरता भी है तो भी 47,500 के पास एक सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटा तो सीधा कहाँ पर है, सीधा जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 46,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। पुट साइड में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग की बात करें, 31,000 की पुट राइटिंग हुई है 47,500 के ऊपर। तो 47,500 के ऊपर हमें अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और राइटिंग देखने को मिली है, जो कि निफ्टी बैंक अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ से ऊपर की बात करें तो 48,300 को तोड़ने के बाद निफ्टी बैंक कहाँ तक बढ़ सकता है। सेकंड जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 1,83,000 का है और 1,99,000 का है, जो कि 48,500 एंड 49,000, तो दो लेवल्स अपसाइड के लिए फिर खुल जाएंगे 48,300 के ऊपर बैंक निफ्टी के सस्टेन होने के बाद। अगर 48,300 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होगा तो फ्रेश रैली टूवर्ड्स 49,000 हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक के अंदर। सो निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया है, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी बैंक के अंदर आज बाइंग की कमी दिखाई दी, एक वोलेटिलिटी की कमी दिखाई दी, बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दिया 48,300 के पास, इसी वजह से निफ्टी बैंक हमें 48,300 से सीधा 48,000 तक गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी 48,000 से रिकवरी करके क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 48,125 के पास निफ्टी बैंक आकर बंद हुआ है। तो अभी यहां से आगे करे तो करे क्या, निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन सा ट्रेड बनता है। 48,125 के पास अभी क्लोजिंग मिली है, कल के सेशन में अगर निफ्टी बैंक 48,100 के जोन को होल्ड रखता है तो निफ्टी बैंक अपनी रैली 48,300 एंड 48,500 की तरफ कंटिन्यू करेगा। इसमें आपको सी साइड में बढ़िया प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक अगर सीधा 48,000 एंड 48,050 इससे नीचे जाता है तो यहाँ से पुट में हमें अच्छा खासा बाइंग अगर हम लोग करते हैं, कल एक्सपायरी है तो आप अगर एक दो लॉट में लोगे तो कुछ आपका फ़ायदा होगा नहीं, आपको एक अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी चाहिए, जैसे कि 900 क्वांटिटीज़ हो गई, 9,000, ये सब आप अगर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक से दो लॉट में ट्रेडिंग करने वाले हो कल के एक्सपायरी के दिन तो मेरे ख्याल से मत ही करना, क्योंकि इसमें आपको कुछ बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं। 48,000 और 48,050 से अगर निफ्टी बैंक नीचे फिसल जाता है तो हमें यहाँ पर जो है 48,100 या फिर अगर आप लेते हैं तो 47,900 भी बाई कर सकते हैं, ये पी एक जैकपॉट बन सकता है कल के सेशन के लिए। अगर बैंक निफ्टी 100 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप यहाँ पर 48,100 सी बाई कर सकते हैं, इस सी के अंदर आपको बढ़िया जैकपॉट लगेगा। कल के लिए दो ऑप्शन ट्रेड मैंने आपको बताए हैं, एक तो 47,900 और 48,100 ये कब बाय करना है। 48,000 से बिलो मार्केट गया आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, 48,100 के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर सी बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो क्या करें, तो देखिए स्पेशली अगर एक्सपायरी वाले दिन गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करता है फर्स्ट ट्रेडिंग हार में, और 1 बजे के बाद में मोमेंटम मिलता है। तो अगर गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा अटकने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। तो इसमें क्या करें, तो गैप अप के बाद आप क्या कर सकते हैं, गैप अप अगर हो जाता है 48,300 के अराउंड तो हमें वेट करना है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी 48,300 का जोन अगर होल्ड रखता है तो हम लोग फर्दर सी साइड में जाएंगे अप साइड के लिए 48,500 और 600 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर गैप अप के बाद निफ्टी बैंक ड्रास्टिकली नीचे गिरता है 48,200, 100 के पास, तो यानी कि यहाँ से जो मार्केट में
सेलिंग जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिल सकती है, और फिर बैंक निफ्टी हमें 48,000 से भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस केस में हम लोग पी साइड में जा सकते हैं, लेकिन अगर गैप डाउन ही हो जाता है 48,000 से बिलो 47,900 या फिर 800 के पास निफ्टी बैंक ओपनिंग करता है तो क्या करें। तो पहले तो ये एक सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन पर निफ्टी बैंक ने हमें बाइंग इंटरेस्ट दिखाया हुआ है पहले भी। तो इस सपोर्ट जोन के पास अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग करता है या फिर अगर फॉल डाउन करके यहाँ पर आता है तो हमें फटाफट पुट साइड से एग्जिट कर लेना है। अगर आप रुकेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, रिस्क ही बहुत होगा। ये यहाँ से बैंक निफ्टी 47,500 हमें कल के सेशन में भी दिखा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि सेफली प्ले करना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना एवरी ट्रेड में, तो इससे क्या होता है आपका लॉस होने से बच जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं वो अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कर लेना, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो निफ्टी बैंक की तो हमने बात कर ली, अभी बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की मैंने क्या बात कही थी आपको, ये जोन अभी देखिए 21,800 से ऊपर निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दे दी थी इस सेशन में, और मैंने आपसे कहा भी था कि निफ्टी बहुत टाइम से 21,700-750 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं तोड़ पा रहा है। यहाँ से दो बारी निफ्टी ने ये सपोर्ट जोन को टेस्ट किया 21,500, और जब यहाँ पर सेकेंड टाइम रुका यहाँ से एक रिवर्सल हुआ। आप देख सकते हैं चार सेशंस में ही हमने निफ्टी को 22,100 के तरफ जाते हुए हमने देख लिया है। तो अभी यहाँ से आगे निफ्टी के लिए क्या चांसेस है, क्योंकि 22,000 तो अचीव हो चुका है। अभी यहाँ से 22,500 जाएगा या फिर एक रिवर्सल होगा 21,500 के तरफ, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर क्या हाल है निफ्टी के, ये देख लेते हैं। तो निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का यानी कि 18th of January का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अभी फिलहाल नहीं लोड हो रहा है, कल से वाईफाई का इशू चल रहा है जिस वजह से निफ्टी का ये ऑप्शन चेन डेटा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये हम लोग बाद में देख लेते हैं अगर लोड हुआ तो, अदरवाइज मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगी। नहीं लोड हो पा रहा है, वाईफाई का थोड़ा इशू चल रहा है इस वजह से। तो हम लोग फिलहाल देख लेते हैं, पहले तो चार्ट के ऊपर से मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बता देती हूँ, और अगर ये लोड होता है तब तक तो हम लोग बाद में लास्ट में ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेंगे। फिलहाल देखिए निफ्टी ने यहाँ पर जो कैंडल्स फॉर्म की है, एक पॉजिटिव कैंडल है और आज एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने आज भी हमें 22,100 के ऊपर एक चांस दिखाया जाने का, लेकिन नहीं टिक पाया। कल से थोड़ा आज न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था 22,120 के करीब, और वहाँ से जो गिरावट हुई तेज़ वो सीधा 22,000 तक देखने को मिली। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने 22,000 नहीं तोड़ा है, अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी ने 22,000 होल्ड रखा है। लेकिन क्या ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ये कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी डाउन साइड के लिए 21,950 से नीचे फिसल जाता है तो फिर से निफ्टी हमें डाउन साइड के लिए 21,500 का सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ से एक चांस ये भी हो सकता है निफ्टी हमें यहाँ से थोड़ी सी गिरावट दिखाकर फिर अपसाइड के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक चांसेस हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जब तक इस कैंडल के ऊपर निफ्टी है, निफ्टी के फिर से अपसाइड के जाने के चांसेस पूरे बने हुए, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि निफ्टी का
ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है या फिर निफ्टी यहाँ से हमें और ज़्यादा निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मार्क करना है निफ्टी 50 के लिए 21,925 और 930। अगर गिरावट हुई तो 21,925 एंड 930 यहाँ तक होगी, और अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देगा, ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग देगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी 21,500 से नीचे जाएगा। लेकिन जब तक निफ्टी 21,925 एंड 930 से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि इसका ट्रेंड ऊपर के साइड में ही है, और निफ्टी अपसाइड के लिए 22,200 और 300 ये लेवल्स अचीव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत गिरावट तो एवरी इंडेक्स में देखने को मिलेगी, और अभी इतना हाई किया है तो थोड़ा सा एक फॉल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी जो है वो हमें 21,925 के नीचे जब तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक यहाँ से निफ्टी के अंदर कोई भी निगेटिव नहीं होगा। निफ्टी यहाँ से हमें अपसाइड के लिए 22,200 और 22,300 तक के लेवल्स जो है वो फिर दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निफ्टी में उतना पोटेंशियल है कि निफ्टी अपसाइड के लिए हमें ये लेवल्स दिखाएगा। तो 21,930 ये आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके ही रखिएगा। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है निफ्टी बेरिश नहीं होगा। यहाँ से एक फॉल दिखाकर निफ्टी अपसाइड के लिए फिर से भागेगा। तो निफ्टी के लिए कल के सेशन के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 22,000 से नीचे यानी कि इन कैंडल से नीचे आता है तो अपने सपोर्ट की तरफ निफ्टी आएगा। अगर इन कैंडल से नीचे नहीं आता है तो अपसाइड के लिए जाने के लिए फिर से ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ से सीधा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो यहां से एक फॉल दिखाकर फिर अपसाइड के लिए निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अभी तक नहीं लोड हुआ है, तो हम लोग वो डेटा नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा उसमें हम लोग चेक कर लेंगे, और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगी। जो भी ऑप्शंस के रिगार्डिंग या फिर ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग होगी वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अगर वीडियोस कभी कभार नहीं आते हैं तो उसके लिए सॉरी। कल तो वाईफाई इशू था, और अभी फ़िलहाल मेरे मॉम की जो तबीयत है वो थोड़ा ठीक नहीं है। मेरा मॉम के जो पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो चुका है, जिस वजह से थोड़ा मुझे वीडियोस के ऊपर ध्यान देने में टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर कभी कभार वीडियोस लेट आते हैं या फिर टाइम पे नहीं आते हैं तो आप मुझे फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर फॉलो करके देख सकते हैं। वहाँ पर लाइव मार्केट में तो मैं अवेलेबल रहूँगी ही रहूँगी। तो अभी देखिए ऑप्शन चेन डेटा लोड हो चुका है, तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 1,75,000 का है, 1,64,000 का है 22,100 के ऊपर और 22,500 के ऊपर। तो अगर 22,100 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो 22,500 तक के लेवल्स हम लोग फ्रेश रैली जो है वो निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। वही डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए जो सबसे ज़्यादा हमें पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1,54,000 का 22,000 के ऊपर, और जो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो हम लोग पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है 27,000 की, जो कि 21,300 के ऊपर हुई है। और बीच में अगर हम लोग देखें तो सब यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट देखने को मिल रही है 600 के ऊपर, 700 के ऊपर, 11,000 की राइटिंग हुई है यहाँ पर 900 और 950 के ऊपर। तो यहाँ से हमें पुट साइड में उतना बढ़िया सपोर्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि थोड़ा हमें यहाँ पर सेफली प्ले करना होगा। 900 और 950 के ऊपर हमने राइटिंग देखी है,
लेकिन उतनी बढ़िया राइटिंग नहीं है, 2 दिन सिर्फ बचे हैं एक्सपायरी के लिए। और यहाँ पर निफ्टी जो है वो हमें 900 और 950 से नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है, और फिर डाउनसाइड के लिए 21,700, 600 और 500 के रास्ते निफ्टी के लिए खुल जाते हैं। तो पिट पुट साइड में अच्छे खासे यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं निफ्टी के भी एक्सपायरी वाले दिन। तो फिलहाल कल के लिए निफ्टी के लिए 21,930 का सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल से नीचे फिसल जाता है तो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग पुट साइड में बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग करने के बाद 22,050 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है, यानी कि निफ्टी फिर से 22,100 और 150 के जोन में हमें जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें हम लोग सी साइड में बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आपके, वो मुझे आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।